नमस्कार दोस्तों, किसी भी बीमारी के इलाज के लिए जितना जरूरी दवाइयां हैं उतना ही जरूरी आपका खान पान भी है। अगर सही तरीके से आपने खान पान का ध्यान रखेंगे तो किसी भी बीमारी से आप जल्द ही छुटकारा पा सकते हैं या तो आप उसे कंट्रोल में कर सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं, यदि आपको हृदय का रोग है या फिर हृदय से संबंधित कोई भी समस्या है आपको, तो आपको क्या कम खाना चाहिए, क्या अधिक खाना चाहिए और क्या आपको कभी नहीं खाना चाहिए और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आइए जानते हैं, यदि आपको हृदय से संबंधित समस्या है तो आपको कौन कौन सी चीजें कम खानी चाहिए। तो वसा युक्त चीजें आपको कम खानी चाहिए, जैसे कि घी, तेल, वनस्पति घी, बटर, पॉम ऑयल, कोकोनट ऑयल। दोस्तों इसके अलावा सुगरी फूड आइटम जैसे कि कैंडी, पेस्टी, सॉफ्ट ड्रिंक, कुकीज, पैनकेक, स्पोर्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, फ्रूट जूस, दोस्तों ये सुगरी फूड आइटम आपको बिल्कुल ही कम खाने चाहिए। दोस्तों इसके अलावा डीप फ्राइड चीजें और प्रोसेस्ड फूड वाले आइटम आपको बिल्कुल ही नहीं खाने चाहिए। दोस्तों आइए जानते हैं, यदि आपको हृदय रोग की समस्या है तो कौन सी चीजें आपको अधिक खाने चाहिए। नंबर एक, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, हरी प्याज, हरा लहसुन, पुदीना, ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, लौकी आदि को आप अपनी डेली डाइट में जरूर शामिल करिए। दोस्तों नंबर टू, ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले पदार्थ जैसे कि सॉल्मन, सॉडेस फिश, अलसी, अखरोट, सोयाबीन, राजमा, ऑलिव ऑयल आदि की भरपूर मात्रा आप जरूर लीजिए। दोस्तों इसके अलावा लहसुन, दालचीनी पाउडर का भी आप इस्तेमाल करिए। और वहीं पर यदि हम बात करें फलों में आपको कौन से फल खाने चाहिए, तो संतरा, अनार, अंगूर, सेब, पपीता आदि को आप अपनी डेली डाइट में जरूर शामिल करिए। दोस्तों आइए जानते हैं, यदि आपको हृदय रोग की समस्या है तो किन चीजों का आपको कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों नंबर एक, अल्कोहल जिसको शराब कहते हैं, और नंबर टू, धूम्रपान जैसे कि आप बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, किसी भी चीज का आपको सेवन नहीं करना है। दोस्तों आइए जानते हैं, यदि आपको हृदय रोग की समस्या है तो किन दूसरी बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नंबर एक, नियमित रूप से प्रतिदिन हल्का व्यायाम आप जरूर करिए, लेकिन ध्यान ये रखिए जब भी व्यायाम आप शुरू करने वाले हो उससे पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर ले दीजिए। दोस्तों नंबर टू, दिन में दो बार भरपेट खाने की बजाय आप 4-5 बार थोड़ा थोड़ा करके खाइए। दोस्तों नंबर थ्री, रात का खाना सोने से 3 घंटे पहले आप जरूर कर लीजिए। दोस्तों नंबर फोर, हाई ब्लड प्रेशर और वजन को आप कंट्रोल में रखिए। दोस्तों ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला कोई भी ऐसा आप कार्य ना करिए और ना ही कोई ऐसी वस्तु का सेवन करिए जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हो। दोस्तों इसके अलावा यदि आपको हृदय रोग की समस्या है तो आप हमेशा शुद्ध तेल का ही इस्तेमाल करिए। शुद्ध तेल यानी कि कोल्हू से निकाला हुआ डायरेक्ट तेल, ना आपको उसमें कुछ मिलाना है और ना उसमें से कुछ निकालना है। दोस्तों तेल जितना मोटा होगा और दूध जितना पतला होगा उतना ही वो स्वास्थ्य के लिए हितकारी होगा। दोस्तों यदि आप इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे और अपनी दिनचर्या को थोड़ा बेहतर करेंगे तो आपको हृदय से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ज्ञानवर्धक और जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में आपकी कोई राय हो या फिर कोई सवाल या सुझाव हो तो जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।